हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आइए फटाफट से शुरू करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 7, क्लोरोफाइसी। इसके डिस्टिंग्विशिंग करेक्टर्स देख लेते हैं सबसे पहले। तो क्लोरोफाइसी जो है वो मेनली फ्रेश वाटर या फिर मराइन वाटर के अंदर पाए जाते हैं। 90% ऑफ द क्लोरोफाइसी आर फ्रेश वाटर एंड 10% आर मराइन। ऐसा नहीं है कि ये किसी पर्टिकुलर जगह पर ही मिलेंगे, ये फ्लोइंग वाटर के अंदर भी मिल सकते हैं या फिर जो स्टेगनेंट वाटर होते हैं, रुके हुए पानी होते हैं, वहाँ पर भी ये पाए जाते हैं। मॉइस्ट सोइल पर भी ये ग्रो कर सकते हैं और इनका कलर जो है वो जनरली ग्रीन होता है। ग्रीनिश एल्गा भी इसे बोलते हैं क्योंकि इसका कलर जो है वो ग्रीन होता है। रेंज ऑफ थैलस, इनके अंदर हम थैलस की बात कर रहे हैं, इसका मतलब इनके अंदर जो ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। थैलस जो है वो इनका मोटाइल भी हो सकता है, कोकोइड भी हो सकता है, फिलामेंटस भी हो सकता है, मतलब यूनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर, कॉलोनियल कह सकते हो आप, मोटाइल, नॉन मोटाइल, इनका थैलस जो है वो कैसा भी हो सकता है। पिगमेंट्स की अगर हम बात करें तो पिगमेंट्स इनके अंदर क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन्स, जेंथोफिल्स, ये सब प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट एक या एक से ज़्यादा प्रेजेंट हो सकते हैं क्लोरोप्लास्ट, और जो क्लोरोप्लास्ट की शेप होती है वो जनरली कप शेप्ड होती है और प्लेट शेप्ड भी हो सकती है। कप शेप्ड या प्लेट शेप्ड कोई भी शेप इसकी हो सकती है। नेक्स्ट अगर हम सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल जो है वो 2 से 3 लेयर्स की बनी होती है। पहली लेयर जो है, इनर मोस्ट लेयर जिसे कहेंगे हम, वो सेल्युलोज की बनी होती है और उससे नेक्स्ट वाली जो लेयर है वो पेक्टिन की बनी होती है। कुछ स्पीशीज़ के अंदर जो सेल वॉल है वो काइटिन की बनी हुई होती है। तो ये था सेल वॉल के बारे में। नेक्स्ट हम थैलाई की रेंज देखें तो यहाँ पर देखो, जैसे क्लेमाइडोमोनास में इस तरह का थैलस पाया जाता है, हिमेटोकोकस में ये, क्लोरेला में ये, तो ये सभी अलग अलग क्लोरोफाइसी के मेंबर्स के थैलस की रेंज दी गई है। नेक्स्ट अगर हम आइसपोर्ट और स्टिग्मा की बात करें तो आइसपोर्ट जो है वो क्लोरोप्लास्ट के पास पाया जाता है स्पीशीज़ के अंदर, और जो आइसपोर्ट है वो एक फ़ोटो रिसेप्टर सेल होता है, एक फ़ोटो रिसेप्टर सिस्टम कह सकते हो आप, और ये लाइट पर डिपेंड करते हुए गाइड करता है मेंबर को कि किधर की साइड मूव करना है। डायरेक्शन और मूवमेंट जो है वो किस पर डिपेंड करती है? आइसपोर्ट पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट फ्लैजिला हमें पता है मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो यूजुअली इनके पास 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, वो भी मोटाइल बॉडी के एंटीरियर साइड पर प्रेजेंट होते हैं। मोटाइल बॉडी यानी मूविंग बॉडी, और मूविंग है तो मतलब वो फ्लैजिला को ही यूज़ कर रही है मूवमेंट के लिए। तो मूविंग बॉडी यानी कि मोटाइल बॉडी, या फिर आप कह सकते हो मेल बॉडी, क्योंकि काफ़ी हद तक मेंबर्स के अंदर मेल बॉडी ही मोटाइल होती है, तो मेल बॉडी के मूवमेंट के लिए फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं मेल बॉडी की एंटीरियर साइड पर, ठीक है। इसके बाद हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इनके अंदर काफ़ी मेथड्स से होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इनके अंदर काफ़ी एडवांस्ड है, आइसोगैमस, ओगैमस एंड एनाइसोगैमस, हर टाइप की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर देखने को मिल सकती है। तो ये थे इनके डिस्टिंग्विशिंग करेक्टर्स। अब इसके बारे में एक ओवरव्यू सा ले लेते हैं। तो क्लोरोफाइसी जो है वो फ्रेश वाटर या मेराइन एल्गा आप इन्हें बोल सकते हैं। यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर बॉडी, दोनों तरह की बॉडी इनके अंदर मिलती है। यूकैरियोटिक सेल वॉल है इनके पास, कंटेनिंग सेल्युलोज इन द सेल वॉल। चीफ पिगमेंट्स कौन कौन से प्रेजेंट है? क्लोरोफिल ए, बी, अल्फा, बीटा एंड गामा कैरोटीन्स, लाइकोपीन एंड जेंथिन। जेंथिन्स के काफ़ी सारे टाइप्स हैं, लेकिन अगर आप जेंथिन भी ओनली याद करोगे तो वो मोर देन सफिशियंट है। तो ये चीफ पिगमेंट्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। रिजर्व फूड इंक्लूड स्टार्च एंड वेरी रेयरली ऑयल्स। तो रिजर्व फूड के लिए इनके पास स्टार्च प्रेजेंट है और ऑयल भी प्रेजेंट होता है काफ़ी रेयर केसेस में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने पढ़ लिया, तीनों टाइप से हो सकती हैं। ज़ूस्पोर फॉर्मेशन काफ़ी कॉमन है इनके अंदर। मेल गैमेट्स जो हैं वो फ्लैजिलेटेड होते हैं, इसीलिए मूवमेंट भी शो करते हैं। फ्लैजिला आइडेंटिकल होते हैं, जनरली बायफ्लैजिलेट होते हैं। बायफ्लैजिलेट मतलब 2 फ्लैजिला, तो आइडेंटिकल फ्लैजिला मतलब एक जैसे फ्लैजिला, तो आइडेंटिकल फ्लैजिला होते हैं जनरली बायफ्लैजिलेट एट द एंटीरियर एंड ऑफ मोटाइल बॉडी, एट द एंटीरियर एंड ऑफ मोटाइल बॉडी। लाइफ साइकिल इनकी हैप्लोंटिक होती है। हैप्लोंटिक लाइफ साइकिल का मतलब क्या होता है कि इनकी जो काफ़ी सारी स्टेजेस होती हैं पूरे लाइफ साइकिल के अंदर, वो हैप्लोइड होती है। हैप्लोइड को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं और डिप्लोइड को हम 2n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कहीं भी अगर सिंगल n इस तरह से ब्रैकेट में लिखा मिले ना, तो उसका मतलब है कि ये हैप्लोइड है, और अगर 2n लिखा मिले तो इसका क्या मतलब है कि ये डिप्लोइड है। हैप्लोइड जो
मेंबर्स होते हैं, लाइफ साइकिल होती है। इसका क्या मतलब होता है कि उसकी पूरी कंप्लीट एक लाइफ साइकिल के अंदर जितने भी स्टेजेस हैं, गैमीट्स, जाइगोट, वेजिटेटिव स्टेज, प्लांट लाइफ, मतलब जितने भी स्टेजेस हैं वो सभी हैप्लोइड हैं एक्सेप्ट जाइगोट, क्योंकि जाइगोट जो है वो कभी मतलब डिप्लोइड ही होता है, क्योंकि उसके अंदर दो गैमीट्स का फ्यूजन होता है ना, तो दो हैप्लोइड चीज़ें अगर फ्यूज़ करेंगी तो डिप्लोइड ही बनेगा ना, तो जाइगोट जो है वो डिप्लोइड होता है, और जाइगोट को छोड़कर जितने भी इसकी लाइफ के अंदर स्टेजेस होते हैं वो सभी हैप्लोइड होते हैं। इसी तरह डिप्लोइड के अंदर क्या होता है कि डिप्लोंटिक लाइफ साइकिल के अंदर 2n की स्टेजेस फॉलो होती है, यानी कि जितने भी स्टेजेस होते हैं वो डिप्लोइड होते हैं एक्सेप्ट गैमीट्स, क्योंकि गैमीट्स जो हैं वो अलग अलग होते हैं मेल और फीमेल के, तो दोनों हैप्लोइड ही होंगे, तो गैमीट्स को छोड़कर जितनी भी स्टेजेस होती हैं डिप्लोंटिक लाइफ साइकिल में वो सभी डिप्लोइड होती हैं, और ज़्यादातर स्टेजेस डिप्लोइड होने की वजह से उस तरह की लाइफ साइकिल को हम डिप्लोंटिक लाइफ साइकिल बोलते हैं। और क्लोरोफाइसी की लाइफ के अंदर ज़्यादातर स्टेजेस जो हैं वो हैप्लोइड होती हैं, इसीलिए इन्हें हम हैप्लोंटिक लाइफ साइकिल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लोरोफाइसी के एक मेंबर की, दैट इज़ वॉल्वोक्स। वॉल्वोक्स की सिस्टमेटिक पोजीशन क्या है, डिवीजन थैलोफाइटा से बिलोंग करता है, इसकी सब डिवीजन एल्गी है, क्लास क्लोरोफाइसी है, और ऑर्डर वॉल्वोकेल्स है, फैमिली वॉल्वोकेसी है। जो इनके हम सिस्टमेटिक पोजीशन लिखते हैं उसमें हमेशा याद रखें कि जिनके फर्स्ट लेटर्स होते हैं वो हमेशा कैपिटल होने चाहिए, फर्स्ट लेटर्स हमेशा कैपिटल होने चाहिए और बाकी सभी लेटर्स स्मॉल होने चाहिए, नहीं तो एग्ज़ाम में जब हम इनको लिखते हैं तो ये इसका भी मार्क्स काट लेते हैं कि फर्स्ट लेटर स्मॉल नहीं होना चाहिए। तो डिवीजन थैलोफाइटा, क्लासेस क्लोरोफाइसी, ऑर्डर वॉल्वोकेल्स, फैमिली वॉल्वोकेसी। इसमें एक बात याद रखें कि कहीं पर भी अगर आपको ए सी लिखा मिले, सी ई ए ई ये लास्ट में लगा हुआ मिले, मतलब कि वो किसी फैमिली को डिनोट कर रहा है। अगर एल्स लिखा मिले मतलब वो किसी ऑर्डर को डोनेट कर रहा है, और ए सी यानी कि क्लास, तो इन बातों का हमेशा ध्यान रखें। अब इसके बारे में एक डिटेल्ड स्टडी कर लेते हैं। तो क्लोरोफाइसी जो है वॉल्वोक्स, वॉल्वोक्स की ऑकरेंस, वॉल्वोक्स जो है वो एक फ्री स्विमिंग फ्रेश वाटर ग्रीन एल्गा है, फ्री स्विम करता है क्योंकि इसके पास फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं स्विमिंग में जो इनको हेल्प करते हैं। सेल डिफरेंशिएशन के लिए जब हम स्टडीज़ करते हैं तो इनके अंदर वॉल्वोक्स को ही हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि एक तो इनको हम कल्चरल कंडीशंस में ग्रो किए जा सकते हैं, और इनके अंदर जो सेल डिफरेंशिएशन है वो काफ़ी अच्छे तरीके से स्टडी की जा सकती है, इसीलिए हम इन्हें यूज़ करते हैं। नेक्स्ट अगर हम इनकी कॉलोनीज़ की बात करें तो इनकी एक एक कॉलोनी के अंदर अप्रॉक्सीमेट 500 to 50,000 सेल्स पाए जाते हैं, 500 to 50,000 सेल्स एक कॉलोनी के अंदर। और इनकी शेप कैसी है, जैसे कि इस डायग्राम में भी देख पा रहे होंगे, इसके अंदर जो शेप होती है वो स्फेरिकल या फिर इलिप्सॉइडल शेप होती है, इक्लिप्स की तरह या फिर स्फेरिकल शेप, इस तरह की शेप इनकी कॉलोनीज़ के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, हर एक कॉलोनी जो होती है ना वॉल्वोक्स की, उसे हम कोइनोबियम बोलते हैं। ईच कॉलोनी ऑफ वॉल्वोक्स इज नोन एज कोइनोबियम। वॉल्वोक्स की कॉलोनी के अंदर जो पेरेंट सेल्स होते हैं वो हमेशा पोस्टीरियर एंड पर या फिर पेरिफेरी की तरफ कह सकते हो आप, वहाँ पर पाए जाते हैं, और जो यंग डॉटर सेल्स होते हैं पेरेंट सेल से डिफरेंशिएट होकर बनते हैं वो हमेशा इनसाइड मिलते हैं। ठीक है, तो हर एक कॉलोनी जो होती है वॉल्वोक्स की वो कोइनोबियम बोलते हैं उसे हम, और वो फ्री स्विमिंग होती है। कोइनोबियम जो है वो फ्री स्विमिंग होती है, और ये हमें स्फेरिकल ग्लोब्यूलर मास की तरह अपीयर होती है, एक स्फेरिकल ग्लोब्यूलर मास, जैसे एक स्फेयर सा फॉर्म हो रहा है ना, इसके अंदर यहाँ पर कोने कोने पे क्या प्रेजेंट है, पेरेंट सेल्स प्रेजेंट है, पेरेंट सेल्स जो हैं वो यहाँ पर पोस्टीरियर एंड पर प्रेजेंट है, और यहाँ से डिफरेंशिएट होकर जो डॉटर सेल्स बन रहे हैं वो इंटीरियर की साइड प्रेजेंट है। ठीक है, तो स्फेरिकल ग्लोब्यूलर मास की तरह ये अपीयर होता है। हर सेल्स जो हैं अगर हम इस तरह से अगर इसको जूम करके देखें तो ये कुछ इस तरह से शेप बनती है, ये जो हर एक सेल है ये आपस में जॉइंट होते हैं इन साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स के थ्रू, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स के थ्रू ये आपस में जॉइंड रहते हैं, डेलिकेट स्ट्रैंड्स होते हैं ये साइटोप्लाज्म के। अब इनकी जो शेप होती है वो क्लेमाइडोमोनॉइड होती है, हर एक सेल जो है वॉल्वोक्स का वो क्लेमाइडोमोनॉइड होता है और बाइसिलिएट होता है। क्लेमाइडोमोनॉइड और बाइसिलिएट का क्या मतलब होता है, क्लेमाइडोमोनॉइड का मतलब होता है कि जो सेल है वो सिंगल सेल्ड है, एक ही तरह के सेल्स से बना हुआ है, और उसके अंदर दो फ्लैजिला प्रेजेंट है स्विमिंग के पर्पज़ के लिए, जैसे यहाँ पर भी आपको देख पा रहे होगे
दो फ्लैजिला प्रेजेंट है स्विमिंग के पर्पज़ के लिए। स्विमिंग कहाँ कर सकते हैं, ये वाटर में भी कर सकते हैं और मॉइस्ट सॉइल में भी स्विमिंग शो करते हैं। तो क्लेमाइडोमोनोइड का मतलब होता है कि सिंगल सेल्ड एल्गा विच हैज़ टू फ्लैजिला फॉर स्विमिंग इन वाटर एंड मॉइस्ट सॉइल। बाईसीलिएट मतलब दो सीलिया, ठीक है। इसके बाद इसकी जो कॉलोनीज होती हैं उनके अंदर जनरली तीन तरह के सेल्स पाए जाते हैं। कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन शो करते हैं, वेजिटेटिव सेल्स होते हैं, कुछ असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं और कुछ सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं। तो इनकी कॉलोनीज के अंदर भी तीन तरह के सेल्स पाए जाते हैं, वेजिटेटिव सेल, असेक्सुअल सेल्स और सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सेल्स। तीन तरह के सेल्स इनकी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। ये एक वेजिटेटिव सेल का स्ट्रक्चर है। वेजिटेटिव सेल जो है वो सीलिएटेड होते हैं और वेजिटेटिव होते हैं। इसके अंदर अगर हम स्ट्रक्चर्स की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर कैसा है, स्फेरिकल ग्लोबुलर मास के जैसा है। स्फेरिकल स्ट्रक्चर है इसका। और इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, दो फ्लैजिला इसके अंदर प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। क्लोरोप्लास्ट जो है वो इसके अंदर कप शेप्ड प्रेजेंट होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कप शेप्ड भी होगा, ये प्लेट शेप्ड भी हो सकता है। तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो कैसा है, कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है इनसाइड द वॉल्वोक्स वेजिटेटिव सेल। आइसपोर्ट यहाँ पर प्रेजेंट है। आइसपोर्ट का क्या काम है, आइसपोर्ट जो है वो इसको मूवमेंट में हेल्प करेगा, डायरेक्ट करेगा मूव करने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर काफ़ी सारे वैक्यूल्स प्रेजेंट है। अब वैक्यूल्स जो हैं उनकी मूवमेंट से अल्टरनेटिंग मूवमेंट शो करते हैं वैक्यूल्स, जैसे कि कभी एक्सपेंड हुए फिर कॉन्ट्रैक्ट हुए, इस तरह की मूवमेंट वो लोग शो करते हैं जो कि उन्हें एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। इसीलिए वैक्यूल्स को एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट अल्टरनेटली एंड एक्ट एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर गोल्जी बॉडीज प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है जहाँ से इस सेल को एनर्जी मिल रही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल तो इसके आउटर पर प्रेजेंट है ही फॉर द प्रोटेक्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सेल्स। असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सेल्स इनके पास जनरली जूस्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब कुछ सेल्स जो हैं इसके वो वेजिटेटिव सेल में मॉडिफाई हो रहे हैं, कुछ सेल्स को असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है वो जूस्पोर्स में मॉडिफाई हो रहे हैं, और कुछ को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करना है तो वो स्पर्म्स और ओवा में डिवाइड हो रहे हैं। वेजिटेटिव सेल की डिटेल्स हमने यहाँ पर देख ली। इनके अंदर स्टार्च ग्रेन्स भी प्रेजेंट है और पायरेनोइड्स भी प्रेजेंट है। पायरेनोइड्स के बारे में मैंने पहले काफ़ी एक्सप्लेन किया है, उसका वीडियो का लिंक मैं ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहाँ पर जाके उसे विजिट करके पायरेनोइड्स के बारे में समझ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मूवमेंट कैसे होती है इनकी। कोनोबियम जो है, जैसे कि ये एक वाटर का सरफेस है, वाटर के सरफेस के ऊपर जो कोइनोबियम है वो इस तरह से मूव करते हैं। अभी ये ऐसे शो रहा है लेकिन इसको ऐसे इमेजिन करो, वाटर के सरफेस के ऊपर कोइनोबियम जो है वो रोल करते हैं, उनके फ्लैजिला से वो रोल करके अपनी मूवमेंट शो करते हैं। और इन्हें डायरेक्ट कौन करता है, एक फोटोरिसेप्टिव ऑर्गन जो कि है आईस्पॉट। आईस्पॉट उनको इस मूवमेंट में डायरेक्ट करता है, ठीक है। तो ये था मूवमेंट के बारे में। अब इसके थोड़े से नोट्स देख लेते हैं। तो ऑकरेंस इसकी है फ्री स्विमिंग फ्रेश वाटर ग्रीन एल्गा। स्ट्रक्चर कॉलोनीज जो है इनकी स्फेरिकल और लॉब्सॉइडल होती हैं इन शेप, एंड दे कंटेन 500 to 50,000 सेल्स। वॉल्वॉक्स इज एनक्लोज्ड इन म्यूसिलेज एनवेलप। ईच कॉलोनी दैट इज कोइनोबियम अपीयर्स लाइक स्फेरिकल ग्लोब्यूलर मास, एंड ईच सेल इज क्लेमाइडोमोनाइड एंड बाइसिलिएट। क्लेमाइडोमोनाइड का क्या मतलब था कि सिंगल सेल्ड है, दो फ्लैजिला प्रेजेंट है स्विमिंग के लिए, ठीक है, और बाइसिलिएट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब रिप्रोडक्शन की। तो वॉल्वॉक्स के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है। वॉल्वॉक्स की जो लाइफ साइकिल होती है, बिगिनिंग के अंदर जो उसके अंदर रिप्रोडक्शन का टाइप होता है वो असेक्सुअल टाइप का होता है, मतलब शुरुआत में जो रिप्रोडक्शन होता है वो असेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, और फिर टुवार्ड्स द एंड ऑफ द सीजन दिस रिप्रोडक्शन टाइप कन्वर्ट्स टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन द बिगिनिंग ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ वॉल्वॉक्स रिप्रोडक्शन इज एक्सक्लूसिवली असेक्सुअल टाइप, एंड टुवार्ड्स द एंड ऑफ द सीजन दिस रिप्रोडक्शन इज एक्सक्लूसिवली सेक्सुअल टाइप। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टेक अ लुक एट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हाउ इट हैपन्स। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि कुछ सेल्स, पूरी कॉलोनी के अंदर के कुछ सेल्स जो हैं पोस्टीरियर हाफ की तरफ जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं, पोस्टीरियर हाफ की तरफ इधर जो सेल्स प्रेजेंट हैं वो डिफाइन करते हैं अपने आप को। इधर के सेल्स का थोड़ा जूम इन करो, इस तरह से आपको कुछ देखने को मिलेगा ना। तो ये वाले सेल्स जो हैं ये अपने आप को मॉडिफाई करते हैं, ये पोस्टीरियर के जो सेल्स हैं वो एनलार्ज हो जाते हैं, और इन्हें हम गोनिडिया बोलते हैं या फिर पार्थिनोगोनिडिया भी बोलते हैं। पोस्टीरियर एंड के कुछ सेल्स
एनलार्ज करते हैं, जिन्हें हम कोनिडिया बोलते हैं। अब इनके अंदर मॉडिफिकेशन होती है, जैसे कि इनके पास जो ये फ्लैजिला प्रेजेंट थे ये इनको लॉस कर देते हैं, दीज लॉस देयर फ्लैजिला। अब अगर उन्होंने फ्लैजिला लॉस कर दिया तो ये राउंडेड हो जाएंगे, इनकी शेप कैसी हो जाएगी, राउंडेड हो जाएगी, ठीक है। और म्यूसिलेजिनस सैक इनके पास अभी भी प्रेजेंट है, तो राउंडेड शेप हो चुकी है इनकी। अब इसके अंदर क्या होंगे, डिविजन्स होंगे, लॉन्गिट्यूडिनल डिविजन्स होंगे इनके अंदर, सेल्स के अंदर जो है लॉन्गिट्यूडिनल डिविजन्स होंगे। और 8 सेल्ड स्टेज जब बन जाएगी तो उसे हम क्या कहेंगे, प्लैकिया स्टेज। जब 8 सेल्ड स्टेज क्रिएट हो जाएगी इस सेल के अंदर तो उसे हम प्लैकिया स्टेज कहेंगे। एक होलोस्फेयर की शेप ले लेता है ये जो है डिविजन्स शो करी गई हैं। कैसे होते हैं, जैसे पहले एक सेल है सिंगल सेल, पोस्टीरियर हाफ का एक सेल है, वो डिवीजन बड़ा होगा, डिवीजन शो करेगा, लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन्स होंगी उसके अंदर काफ़ी सारी, ठीक है। इस तरह से वो एक शेप ले लेगा। 16 सेल्ड स्टेज जब उसकी होगी तो वो एक फियालोपोर नाम का ऑर्गन या फिर कह सकते हो सेल डेवलप करेगा अपने एंटीरियर एंड पर। एंटीरियर एंड पर जो है एक फियालोपोर नाम का सिस्टम डेवलप होगा और एक डॉटर कॉलोनी फॉर्म होगी एंटीरियर साइड पर। डॉटर कॉलोनी कहाँ फॉर्म होती है, हमने पहले ही पढ़ा था ना, डॉटर कॉलोनी कहाँ फॉर्म होती है, एंटीरियर साइड पर टुवार्ड्स द सेंटर। तो टुवार्ड्स द सेंटर एक डॉटर कॉलोनी फॉर्म होगी। और इस डॉटर कॉलोनी के बाहर निकलने से पहले, पेरेंट कॉलोनी को तोड़कर बाहर निकलने से पहले कुछ और चेंजेस होते हैं, जैसे कि जो डॉटर कॉलोनी है अंदर एंटीरियर एंड पर जो बनी है वो लाइब्रेशन से पहले उस कॉलोनी के अंदर इन्वर्जन होगा। इन्वर्जन का मतलब होता है कि इनसाइड आउट, बिल्कुल उल्टा। जैसे फिलहाल अगर मैं बात करूँ, ये एक चीज़ है और ये ऐसे है, सपोज दिस इज़ एन अम्ब्रेला और उसे हमने ऐसे खोला हुआ है, नीचे इसकी स्टिक है, तो इसमें क्या होगा कि ये बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, ऐसे ऊपर की साइड हो जाएगा ये इस तरह से, ठीक है। तो यही होता है इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब होता है उल्टा बिल्कुल। अगर कोई चीज़ पहले ऐसे है, जैसे ये अम्ब्रेला ऐसे है, ठीक है, ये एक रफ डायग्राम है, इन्वर्जन का मतलब होगा कि ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट तो सेम रहा, सिर्फ ये वाली जो चीज़ें थी ये अपोजिट हो चुकी हैं, इसी को हम इन्वर्जन बोलते हैं, ठीक है। तो इनके अंदर फिर डॉटर कॉलोनी के अंदर इन्वर्जन होगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये पहले इनसाइड था फिर ये इस तरह से खुल गया, तो ये वाली चीज़ जो है वो इधर आ गई, इसे ही हम क्या कहते हैं, इन्वर्जन। तो 16 सेल्ड स्टेज पर जब फियालोपोर डेवलप हुआ उसके बाद एक डॉटर कॉलोनी की फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई एंटीरियर साइड पर, एंड ईच कॉलोनी टर्न्स इनसाइड आउट बाय द प्रोसेस ऑफ इन्वर्जन। इन्वर्जन के बाद क्या होता है कि नॉर्मल ओरिएंटेशन अपनी सेल अटेन कर लेता है, फ्लैजिला डेवलप होने लगते हैं एंटीरियर एंड पर, एंटीरियर एंड पर भी फ्लैजिला डेवलप होने लगते हैं, सेल्स के अंदर अपनी एक सेल वॉल एक्वायर कर लेते हैं वो लोग, और इस तरह से डॉटर कॉलोनी की फॉर्मेशन हो जाती है। डॉटर कॉलोनी जो है वो काफ़ी टाइम तक मदर कॉलोनी के अंदर ही रहती है, और जब मदर कॉलोनी रप्चर हो जाती है या डीके हो जाती है उसके बाद वो डॉटर कॉलोनी बाहर आती है और एक न्यू एडल्ट कॉलोनी की फॉर्म में सर्वाइव करती है, और जिसे हम क्या बोलते हैं, कोइनोबियम बोलते हैं। तो ये प्रोसेस था सारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि पोस्टीरियर हाफ के कुछ एंड्स जो हैं, सेल्स जो हैं वो एनलार्ज करते हैं, जिसे हम गोनेडिया बोलते हैं, फिर उनके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस होती है, जैसे कि ये अपने फ्लैजिला लॉस कर देते हैं, राउंडेड हो जाते हैं और म्यूसिलेज सैक के अंदर ही रहते हैं। इसके बाद इसके अंदर साइमल्टेनियस लॉन्गिट्यूडिनल डिविजन्स होती हैं। डिविजन्स के बाद ये एक 8 सेल्ड स्टेज को डेवलप कर लेता है जिसे हम प्लैकिया बोलते हैं। इसके बाद 16 सेल्ड स्टेज डेवलप होती है जहाँ पर फियालोपोर डेवलप होता है टुवार्ड द एंटीरियर एंड, एंटीरियर एंड की तरफ फियालोपोर डेवलप होता है, और डॉटर कॉलोनी कहाँ डेवलप होती है, एंटीरियर एंड की तरफ। इसके बाद इस सेल के अंदर इन्वर्जन होती है। इन्वर्जन होने के बाद जब ये सेल इस तरह से चेंज होकर ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, इसके बाद यहाँ पर अपने फ्लैजिला डेवलप करने लगता है, ये एंटीरियर की साइड ही अपने फ्लैजिला डेवलप करता है, और फिर मदर कॉलोनी के अंदर रहता है काफ़ी टाइम तक, और जैसे ही मदर कॉलोनी रप्चर होती है, ख़राब होती है, ये जो डॉटर कॉलोनी होती है ये बाहर आ जाती है और एज अ न्यू एडल्ट ग्रो करती है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसी होती है वोल्वॉक्स के अंदर? तो वोल्वॉक्स के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो बेसिकली ओगैमस टाइप की होती है। ओगैमस टाइप की रिप्रोडक्शन का क्या मतलब होता है? ओगैमस टाइप की रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि
मोटाइल मेल होता है और नॉन मोटाइल फीमेल होती है। मोटाइल मेल मतलब मूविंग मेल, मेल के जो ऑर्गन होता है, सेल्स होते हैं वो मूविंग होते हैं, मूवमेंट शो करते हैं फ्लैजिला की हेल्प से, जबकि जो फीमेल है वो नॉन मोटाइल होते हैं, नॉन मूविंग होते हैं। ओवगैमस का यही मतलब होता है, ठीक है। जो कॉलोनीज़ हैं वो मोनोइशियस भी हो सकती हैं, डाइशियस भी हो सकती हैं। मोनोइशियस कॉलोनी जो है वो प्रोटेंड्रस भी हो सकते हैं, और कुछ कॉलोनीज़ जो है वो प्रोटोगाइनस भी हैं। अब ये जो दो वर्ड हैं प्रोटेंड्रस और प्रोटोगाइनस, इनका क्या मतलब होता है? प्रोटेंड्रस वर्ड जो है इसका मतलब होता है कि जो मेल ऑर्गन्स हैं वो ज़्यादा जल्दी मैच्योर हो रहे हैं देन द फीमेल वंस। मेल ऑर्गन्स आर गेटिंग मैच्योर्ड अर्लियर देन द फीमेल वंस। और प्रोटोगाइनस में उल्टा होता है, फीमेल ऑर्गन्स आर गेटिंग मैच्योर देन अर्लियर देन मेल वंस। इसके लिए आपको याद करने के लिए एक ट्रिक भी है, जैसे एंड्रस वर्ड जो है प्रोटेंड्रस, एंड्रस वर्ड एंड्रोइशन से आप याद कर सकते हो, और ये वर्ड जो है मेल सिस्टम से रिलेटेड है। तो अगर कहीं पर प्रो एंड्रस आ रहा है, एंड्रस को आप एंड्रोइशियम, एंथ्रोजॉइड्स इन सब से रिलेट करो और याद करो कि ये मेल के अंदर पाए गए थे, तो ये जो है इसमें मेल अर्लियर मैच्योर होगा। और प्रोटोकाइनस में गाइना मतलब गाइनोइशियम से आप इससे रिलेट कर सकते हो ना, तो गाइनोइशियम जो है वो फीमेल पार्ट है प्लांट का, तो फीमेल जो है वो ज़्यादा पहले मैच्योर हो रहे हैं। मेल सेक्स ऑर्गन्स आर कॉल्ड एंथ्रीडिया एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर कॉल्ड ऊगोनिया। जो मेल ऑर्गन्स बनेंगे उन्हें हम एंथ्रीडिया कहेंगे, और जो फीमेल ऑर्गन्स बनेंगे उन्हें हम ऊगोनिया बोलेंगे। तो ये हमने मोटा मोटा पढ़ लिया कि इसके अंदर क्या क्या होगा। नेक्स्ट बात, अब इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। जो वॉलवॉक्स के अंदर जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो भी पोस्टीरियर हाफ में ही प्रेजेंट होते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट सेल्स हैं ना जो डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसी ना किसी चीज़ में, वो पोस्टीरियर हाफ में ही प्रेजेंट होते हैं कॉलोनी के, ठीक है। नेक्स्ट हम एंथ्रीडिया की बात करते हैं। तो एंथ्रीडिया क्या होते हैं? स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, पोस्टीरियर एंड ऑफ द कॉलोनी से ही ये लोग डेवलप कर रहे हैं। इनके अंदर क्या होता है कि जो एंथ्रीडियल सेल का प्रोटोप्लास्ट होता है, इस डायग्राम को ध्यान से देखिएगा मेरी बात सुनते हुए ताकि सब समझ आए आपको। तो प्रोटोप्लास्ट जो होता है इस सेल का, ये रैपिडली डिवाइड करता है। इसके अंदर स्टेजेस आती हैं, 4 सेल, 16 सेल, 32 सेल, 62, 64, 128, इस तरह से ये डिवाइड करता रहता है। और डिवाइड करते करते ये एक स्मॉल नैरो स्पिंडल की फॉर्मेशन कर लेता है। इस तरह से ये एक स्पिंडल की फॉर्मेशन कर लेता है जो कि येलो और बायफ्लैजिलेट एंथ्रोजॉइड्स होते हैं। इसने डिवाइड कर करके काफ़ी सारे एंथ्रोजॉइड्स की फॉर्मेशन करी जो कि स्मॉल हैं, दिख रहे हैं स्मॉल हैं, नैरो हैं और स्पिंडल शेप्ड अरेंज हो गए हैं। इनका कलर कैसा है? येलो कलर है। बायफ्लैजिलेटेड हैं, दो फ्लैजिला उन्होंने डेवलप कर लिए हैं। तो एक प्रोटोप्लास्ट ने, एंथ्रीडियल सेल के प्रोटोप्लास्ट ने डेवलप करके काफ़ी सारे एंथ्रोजॉइड्स की फॉर्मेशन करी है। अब ये जो एंथ्रोजॉइड्स हैं ये लाइब्रेट होंगे बंडल्स में, काफ़ी सारे एंथ्रोजॉइड्स एक बार में लाइब्रेट होंगे। और हर एक एंथ्रोजॉइड, अगर हम इसे जूम इन करें तो हर एक एंथ्रोजॉइड जो है वो इलोंगेटेड है, ओब्लोंग है, कॉनिकल इसका स्ट्रक्चर है, एंड इसके पास दो फ्लैजिला प्रेजेंट हैं जो कि इसको मूवमेंट में हेल्प कर रहे हैं। नेक्स्ट, अगर हम एंथ्रोजॉइड की बात करें तो इसके अंदर सिंगल कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट है और ग्रीनिश कलर है इसका, कप शेप्ड इसके अंदर भी क्लोरोप्लास्ट है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसे जूम करूं तो जो एक एंथ्रोजॉइड है इस तरह से दिख रहा है ना ये, तो इसके अंदर एक कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है और इसके अंदर दो फ्लैजिला प्रेजेंट है। कैसा शेप है इसका? स्मॉल है, नैरो है, इसका शेप है इलोंगेटेड, ओब्लोंग या फिर कॉनिकल कह सकते हो, कौन जैसा दिख रहा है ना। तो ये एक एंथ्रोजॉइड का रफ स्ट्रक्चर है आपको समझाने के लिए कि कैसा दिखता होगा ये, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पर भी इन्होंने देखो डायग्राम दिया हुआ है एंथ्रोजॉइड का, डिटेल्स ऑफ एंथ्रोजॉइड इन वॉलवॉक्स। तो ये दो फ्लैजिला इसके पास प्रेजेंट है, इलोंगेटेड इसका स्ट्रक्चर है, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, यहाँ पर शो भी किया है क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, पायरेनोइड्स और आइसपोड भी प्रेजेंट है जो इसकी मूवमेंट को डायरेक्ट करेंगे। ये था मेल ऑर्गन के बारे में। नेक्स्ट है फीमेल ऑर्गन के बारे में, दैट इज ऊगोनिया के बारे में। तो ऊगोनिया में क्या होता है कि ऊगोनिया भी फर्स्ट पोस्टीरियर हाफ में ही अपीयर होते हैं। इसके बाद क्या होता है कि सेल एनलार्ज होता है, बड़ा होता है, और उसके अंदर जो फूड मटेरियल है वो फिल हो जाता है। ऊगोनिया के अंदर जो उसके अंदर फूड मटेरियल होता है सेल के अंदर वो फिल हो जाता है। ये अपने फ्लैजिला को विदड्रॉ कर लेता है, क्योंकि हमने कहा ना कि फीमेल जो है वो नॉन मोटाइल है, नॉन मूविंग है, तो उसे फ्लैजिला की कोई ज़रूरत नहीं है, वो अपने फ्लैजिला को विदड्रॉ कर लेगा। आइसपोर्ट भी लॉस्ट हो जाएगा, क्योंकि आइसपोर्ट का क्या काम था? मूवमेंट को डायरेक्ट करना। तो जब हमें मूवमेंट ही नहीं चाहिए तो हमें आइसपोर्ट की भी ज़रूरत नहीं है, तो ये अपने फ्लैजिला और आइसपोर्ट को विदड्रॉ कर लेगा।
तो अब इसका शेप कैसा हो जाएगा, राउंडेड हो जाएगा, यूनिसेल्युलर हो जाएगा और एक सेमी फ्लास्क शेप अपीयर कर लेगा। अब जो प्रोटोप्लाज्म है उगोनिया के अंदर, वो एक यूनि न्यूक्लिएट स्फेरिकल ऊस्फेयर की फॉर्मेशन करेगा, यानी कि एग की फॉर्मेशन करेगा। तो इस तरह से ये एक एग की फॉर्मेशन हो जाएगी, डायग्राम के अंदर दिख रहा होगा ना, तो एक मैच्योर एग की फॉर्मेशन हो जाएगी उगोनिया, जिसे हम कहेंगे ऊस्फेयर या फिर एग भी जिसे हम बोलेंगे। तो मेल और फीमेल ऑर्गन्स जो हैं वो बन चुके हैं। अब अगली बात आती है कि इसके अंदर फर्टिलाइजेशन किस तरह से होगा। तो फर्टिलाइजेशन के लिए ऑब्वियसली जो एंथ्रोजोइड्स हैं वही मूविंग पार्ट है, जो दूसरे उगोनिया हैं वो तो मूव कर नहीं सकते, तो एंथ्रोजोइड्स जो हैं वो मूव करके उगोनिया तक, ऊस्फेयर तक या एग तक कहें अगर हम सिंपल लैंग्वेज में, तो जो एंथ्रोजोइड्स है वो मूव करके एग को रीच करेंगे ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके। अब ये कैसे होगा, एंथ्रोजोइड्स जो हैं वो एग तक जाने के लिए स्विम करेंगे, जो उगोनिया के बाहर वॉल प्रेजेंट होती है उसमें पेनिट्रेट करेंगे और एक मैच्योर उगोनियम के अंदर एंटर कर जाएंगे। उसके बाद काफ़ी सारे एंथ्रोजोइड प्रेजेंट होते हैं, उनमें से सिर्फ एक एंथ्रोजोइड जो है वो एग को अंदर तक पेनिट्रेट कर पाएगा, एंटीरियर तक पहुँच पाएगा, फ्लैजिला जो है उसके रिट्रैक्ट हो जाएंगे। फिर क्या होगा, फाइनली जो मेल का न्यूक्लियस होता है, यानी कि जो एंथ्रोजोइड्स के अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, हमने कहा था ना यूनि न्यूक्लिएट है, तो एक न्यूक्लियस जो उनके अंदर प्रेजेंट है वो फीमेल न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करेगा और ऊस पोर की फॉर्मेशन करेगा। एंथ्रोजोइड्स का जो न्यूक्लियस है वो एग के न्यूक्लियस से फ्यूज करेगा और ऊस पोर की फॉर्मेशन करेगा और इसी से फाइनली एक ऊस पोर की फॉर्मेशन हो जाएगी। फिर अब जो ऊस पोर है वो भी पेरेंट कॉलोनी के अंदर प्रेजेंट है, इट विल कम आउट बाय डिसइंटीग्रेशन ऑफ द पेरेंट कॉलोनी एंड सिंक्स टू द बॉटम ऑफ वाटर एंड अंडरगोज अ पीरियड ऑफ रेस्ट। अब जो ये ऊस्पोर है ये भी थ्री लेयर्ड है, इसके आउटर वॉल है एक्सोस्पोर, सेकेंड वॉल मीजोस्पोर, अंदर वाली वॉल जो है सबसे अंदर एंडोस्पोर, तो ये सभी वॉल्स इसके बाहर प्रेजेंट है। सेल कंटेंट्स ऑफ द जायगोट बिकम्स ऑरेंज रेड ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ हिमेटोक्रोम, ऑयल इज ऑल्सो डिपॉजिटेड इन ऊस्पोर। अब भाई फर्टिलाइजेशन हो गया, नेक्स्ट बात हम करते हैं इसका जर्मिनेशन कैसे होगा। जर्मिनेशन में जो ऊस्पोर है, ऊस्पोर के बाहर हमने कहा तीन लेयर्स डेवलप हैं, एक्सोस्पोर, मीजोस्पोर और एंडोस्पोर। इसके अंदर एक पिगमेंट डेवलप हो चुका है हिमेटोक्रोम, जिसकी वजह से इसका कलर कैसा हो चुका है, ऑरेंज रेड। नेक्स्ट क्या होगा, अब जब तक अनफेवरेबल कंडीशंस है ये ऐसे ही रहेगा, जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस होगी ऊस्पोर जो है वो अपना जर्मिनेशन स्टार्ट करेगा। जर्मिनेशन कैसे स्टार्ट करेगा, सबसे पहले जो उसकी आउटर की वॉल है जो एक्सोस्पोर है वो उसे ओपन करेगा, वो रप्चर होगी और जो उसके सेकेंड लेयर है प्रोटोप्लास्ट वो एक्सपोज हो जाएगा। उसके बाद जो बाकी की दो लेयर्स हैं वो भी रप्चर होंगी धीरे धीरे कर एक एक करके, और उसके बाद जो फाइनली ऊस्पोर है वो एक्सपोज हो जाएगा। आफ्टर सम टाइम मीजोस्पोर रप्चर्स, देन एंडोस्पोर रप्चर्स एंड फाइनली जाइगोट माइग्रेट्स बाहर निकल जाएगा। इसके बाद इसके अंदर रिडक्शनल डिवीजन होगी डिप्लॉयड न्यूक्लियस के अंदर। अब इसका न्यूक्लियस डिप्लॉयड है ना, हमने पढ़ा कि एक एंथ्रोजोइड फ्यूज करा है एग के न्यूक्लियस के साथ, दो न्यूक्लियस फ्यूज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली दो हैप्लॉयड फ्यूज करेंगे तो डिप्लॉयड बनाएगा, इसीलिए इसकी हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल भी है ना, क्योंकि सारे ज़्यादातर स्टेजेस जो हैं, ऑलमोस्ट सभी स्टेजेस जो हैं वो हैप्लोइड स्टेजेस के होते हैं, लेकिन सिर्फ एक जाइगोट जो है वो डिप्लॉयड स्टेज का है। तो डिप्लॉयड स्टेज से अब उसके अंदर उसे हैप्लोइड में कन्वर्ट होना है, तो इसके अंदर क्या होगा, रिडक्शनल डिवीजन होगी। इसके बाद जो चार हैप्लोइड न्यूक्लियाई थे वो फॉर्म होंगे, रिडक्शन डिवीजन से चार हैप्लोइड न्यूक्लियाई फॉर्म होंगे और वो फर्दर डिवाइड करेंगे और किस में फॉर्म हो जाएंगे, तीन डिजेनरेट हो जाएंगे। सिंपल बात ये है कि इसके अंदर देखो हैप्लोइड थे एंथ्रोजोइड और हैप्लोइड ही क्या था, एग था, इन दोनों ने फ्यूज़ किया और उन्होंने एक डिप्लोइड जायगोट की फॉर्मेशन करी। अब इस डिप्लोइड जायगोट के अंदर रिडक्शनल डिवीजन होंगे, तो क्या होगा, रिडक्शनल डिवीजन से चार हैप्लोइड न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन हो जाएगी, चार हैप्लोइड न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन होगी। इन चार हैप्लोइड न्यूक्लियाई के अंदर से जो तीन हैप्लोइड न्यूक्लियाई हैं वो डीजनरेट हो जाएंगे और सिर्फ एक जो न्यूक्लिया है वो ज़ूस्पोर की फॉर्मेशन करेगा, एक फंक्शनल रहेगा और डिवीजन करके ज़ूस्पोर की
फॉर्मेशन करेगा। अब इसके अंदर फर्दर डिविजन्स होंगी और काफ़ी सारी डिविजन्स के बाद ये फिर किस स्टेज में एंटर करेगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टेज में एंटर करेगा। नाउ इट अंडरगोज डिवीजन टू प्रोड्यूस 128 टू 256 सेल कॉलोनी टू द मैनर सिमिलर टू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये ज़ूस्पोर है, ये पूरा एक ज़ूस्पोर है, इसके अंदर फर्दर डिविजन्स होगी तो ये काफ़ी सारी एक कॉलोनी बना लेगा। पूरी कॉलोनी बनेगी तो ये एक स्फेरिकल सी पूरी एक कॉलोनी को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है इसके अंदर जर्मिनेशन ऑफ ज़ूस्पोर होता है। लाइफ साइकिल हमने पढ़ लिया कि वोल्वॉक्स की जो लाइफ साइकिल होती है वो हैप्लॉयड होती है और डिप्लॉयड स्टेज जो है वो सिर्फ जायगोट में देखने को मिलती है। इसके बाद जो जायगोट है उसके अंदर रिडक्शन डिवीजन होती है और वो एक जुवेनाइल कॉलोनी की फॉर्मेशन करता है जो कि काफ़ी सारी जनरेशन्स के बाद एक नॉर्मल कॉलोनी की फॉर्म ले लेता है। इसीलिए वोल्वॉक्स की जो लाइफ साइकिल है वो हैप्लोन्टिक है एक्सेप्ट द स्टेज ऑफ जायगोट विच इज़ डिप्लॉयड। इसमें ग्राफिकल लाइफ साइकिल ऑफ वोल्वॉक्स शो किया है। ग्राफिकल लाइफ साइकिल में इसमें देखो तो ग्राफिकल लाइफ साइकिल के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने पढ़ा ना, वोल्वॉक्स से गोनीडिया बना, गोनीडिया से फिर डॉटर कॉलोनीज बनी और फिर उन्होंने डिविजन्स करके वापस से वोल्वॉक्स की कॉलोनी एस्टेब्लिश करी। वोल्वॉक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, पहले मेल और फीमेल प्लांट्स अलग अलग हुए थे ना, एंथ्रीडिया और ओगोनिया बना, उन्होंने फर्टिलाइजेशन करा, ओस्पोर बना, फिर जायगोट के अंदर रिडक्शन डिवीजन बने जिससे कि ज़ूस्पोर की फॉर्मेशन हुई, फिर ज़ूस्पोर ने काफ़ी सारी डिवीजन्स की और उसके बाद एक फर्दर कॉलोनी फॉर्म हो गई वोल्वॉक्स की। तो ये पूरा का पूरा लाइफ साइकिल है। ये ग्राफिकल वे था, डायग्रामेटिक वे इसका ये है, एग्ज़ाम में यही बनाना होता है डायग्रामेटिक वे। ये बिल्कुल इनका ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आपको डिट्टो बनाना होता है, इसके अंदर कुछ स्टेजेस ही बनानी होती है और वो भी रफ़ सा मेथड की पढ़ने वाले को चेक करने वाले को समझ आ जाए हमने बनाया क्या है। असेक्सुअल साइकिल में अगर सबसे पहले देखें तो हमने एक वोल्वॉक्स की कॉलोनी बना दी, पोस्टीरियर सेल्स इसके अंदर एनलार्ज होंगे, एनलार्ज होने के बाद अपना ये फ्लैजेला लूज करेंगे, राउंडेड हो गए, इसके बाद यहाँ से गोनीडिया की फॉर्मेशन हुई, गोनीडियम जो है उसने फर्दर डिवाइड किया और डिवीजन कर करके उसने डॉटर कॉलोनीज एस्टेब्लिश कर ली, फिर डॉटर कॉलोनीज जो है वो माइग्रेट करेंगे और उसके बाद एक फर्दर डिविजन्स के बाद वापस से एक कोइनोबियम की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद इसमें आप देखो तीन ही स्टेजेस शो किए हैं, एक तो जब डिवीजन कंप्लीट होगी, दूसरी स्टेज जब इन्वर्जन हुई और इन्वर्जन के बाद जब उसने अपना पूरा माइग्रेट किया वो स्टेज, तो तीन इंपॉर्टेंट स्टेजेस ही इसमें शो करिए, आप भी ऐसे ही शो करना। नेक्स्ट हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वोल्वॉक्स की एक कॉलोनी है, ठीक है, कोइनोबियम जिसे हम स्पेसिफिकली कहेंगे, तो कोइनोबियम है, कोइनोबियम से ओवम मदर सेल्स की फॉर्मेशन हो रही है और कोइनोबियम से ही एंथ्रोजॉइड मदर सेल की भी फॉर्मेशन हो रही है, यहाँ से एंथ्रोजॉइड्स बनेंगे, यहाँ से क्या बनेगा ओवम ओगोनिया, तो इन दोनों की फिर क्या होगी फर्टिलाइजेशन होगी, फर्टिलाइजेशन से ओस्पोर की फॉर्मेशन होगी, जहाँ से फिर जायगोट से रिडक्शनल डिविजन्स होंगी, मियोसिस होगी और फिर उसके बाद ज़ूस्पोर की फॉर्मेशन हो जाएगी जो कि फर्दर डिविजन्स कर करके वापस से एक कोइनोबियम की फॉर्मेशन करेगा, वोल्वॉक्स कॉलोनी की फॉर्मेशन कर लेगा। तो ये था पूरा लाइफ साइकिल वोल्वॉक्स का। इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है, चैप्टर 7 एंड चैप्टर 8 वोल्वॉक्स एंड क्लोरोफाइसी। होप यू लाइक द वीडियो एंड इफ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।